बदरपुर मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ अभी, और मैं यहाँ से मेरा मेट्रो भी आ चुका है, आप देख सकते हो मेरा मेट्रो आ गया है। तो मैं मेट्रो इस तरह मेट्रो नहीं पकड़ूँ, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं जो यहाँ से बदरपुर से बंद जाती है मैं उसमें पकड़ूँगा और वहाँ से मैं निकलूँगा, क्योंकि मुझे जानना है निदली रेलवे स्टेशन। आज आपको मैं दिखाऊंगा ट्रेन में कितनी जबरदस्त भीड़ होता है, तो मैं आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा। तो आप लोग लाइन में बने रहें आप। बट मैं इस मेट्रो में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इसके बाद वाले मेट्रो में। तो चलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे मतलब यहाँ पर रहने के लिए ठहरने के लिए सुविधा बनाया गया है। ये देखिए पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाया गया है सुविधा। यहाँ पे आपको टिकट भी मिल जाएगा, जनरल टिकट मिल जाएगा आपको सारा। यहाँ बैठने सोने की सुविधा भी लिया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, पीने के लिए पानी भी यहाँ लगाया गया है। ये मतलब स्पेशल मतलब जो त्यौहार चल रहा है इसके लिए लगाया गया है। और आप यहाँ पर ढेर सारी आरपीएफ के जवान भी मिल जाएगा। ये आरपीएफ जवान मतलब हमेशा से 10% ज़्यादा लगाया गया है, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है ट्रेनों में। तो अभी मैं चलता हूँ, अभी आपको देखता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी मैं ब्रिज के नीचे हूँ, अभी मैं एक नंबर मेट्रो स्टेशन से बाहर आया हूँ मैं। तो अभी चलता हूँ, मैं अंदर चलता हूँ। ये है निदली रेलवे स्टेशन, तो अभी मैं चलता हूँ अंदर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं प्लेटफॉर्म टिकट निकाल लेता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर इतना भसड़ होगा कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं ला सकते हम। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म टिकट निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास 1 घंटा सुपर है, क्योंकि ट्रेन जो है वो 1 बजे है। तो हम पहले पहुंच जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ट्रेन बहुत पहले आ जाएगा। अब प्लेटफॉर्म पे भीड़ जितना होगा आपको दिखाता हूं मैं, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होगा। तो अभी मैं चलता हूं, आप देख रहे हो यहां पे, देखो आप पानी की सुविधा लगाया गया है, स्पीकर लगाए गए हैं, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो गाइस पहले मैं लेट नहीं करता हूं, अब पहले मैं प्लेटफॉर्म टिकट निकाल लेता हूं, यहां से दिखा दूं बैक कैमरे से। ये देखो गाइस पूरा व्यवस्था है सोने का। ये देखो मेरे ख्याल से वहाँ पर पूछताछ है और वहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, और यहाँ पे अलग से डिस्प्ले लगाया गया एक्स्ट्रा, और सीआरपीएफ का जवान यहाँ पे खाने पीने का वहाँ पर सुविधा लगा हुआ है, लोग पंखे की व्यवस्था लगा हुआ है, सोए हुए हैं लोग ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पर मिल सकता है, देखता हूँ मैं, पता करता हूँ मैं भी। और चलते हैं, यहाँ पर पूरी फोर्स लगी पड़ी है, तो मैं पता करता हूँ प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अभी मैं चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं। और आप देख सकते हो इसके यहाँ पे स्पेशल लगाया गया है फेस्टिवल के लिए ही, यहाँ पे टेंट लगाया गया, बेकायदा टेंट लगाया गया, पंखे सुविधा है, पानी सुविधा है, स्पेशल LED लगाया गया है ट्रेन में देखने के लिए, स्पेशल लगाया गया है त्योहारों के लिए ही। और RPM जवाब बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पे। ये लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा, और हमें चलना पड़ेगा अंदर के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। तो चलते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं और आपको अंदर भी दिखाते हैं। अरे जो है ये तो नॉर्मली हमेशा टाइम रहता है, लेकिन ये स्पेशल लगाया गया है। तो चलते हैं हम अंदर अभी, और हमारा जो ट्रेन आएगा वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, बिहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस। और ये देखिए कितना हैवी नज़ारा है। तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, मुझे वहाँ प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा तो मैं वहाँ पर चलता हूँ, शायद वहाँ पर लाइन लगा है, तो हम चलते हैं वहाँ पर। पहले मैं प्लेटफॉर्म टिकट ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी भीड़ लगा है, लाइन लगा है प्लेटफॉर्म टिकट के लिए। हालांकि प्लेटफॉर्म टिकट कौन लेना चाहता है, कोई लेना चाह रहा है? जल्दीबाजी में कोई नहीं लेगा, अब प्लेटफॉर्म टिकट कौन लेगा, लोग जनरल टिकट लेना चाहते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, प्लेटफॉर्म टिकट बिल्कुल बंद हो रखा है, छठ पूजा और दिवाली के चक्कर में प्लेटफॉर्म टिकट बंद है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि प्लेटफॉर्म दिखना ही बंद हो गया है। इन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये कर दिया था, अब बंद ही कर दिया है। तो आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, बैक कैमरा से दिखा दूँ यहाँ का नज़ारा, फिर चलते मैं प्लेटफॉर्म पर, देखते हैं चेकिंग होगा तो देखा जाएगा। तो गाइस यहाँ का ये नज़ारा है, ये आपको नॉर्मली हमेशा देखने को मिल जाएगा ये सब। ये निदली रेलवे स्टेशन का है, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 यहाँ पे है। तो चलते हैं अभी हम अंदर।
चलता हूँ ऊपर भी, यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ से मैं राइट लूंगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 आ जाएगा, उसके बाद 14-13 आ जाएगा। तो मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ भीड़ कितना जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि छठ का लास्ट डेट है, कल लोगों को पहुँचना ही पहुँचना है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं, अंदर प्लेटफॉर्म टिकट मिल नहीं रहा था, फिर दोबारा से मैं बाहर आ गया था क्योंकि अंदर जबरदस्त चेकिंग चल रहा था। मुझे पता था कि मैं अंदर फंस जाऊंगा, 200 का नुकसान हो जाएगा। फिर मैं बाहर आया, अब प्लेटफॉर्म टिकट वहां भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने टिकट निकाल लिया है। मैंने टिकट क्या लिखा, मैंने टिकट निकाल लिया फरीदाबाद का, क्योंकि हमें जाना तो है वापस के लिए। मैंने टिकट निकाल लिया नई दिल्ली से फरीदाबाद के लिए, 30 रुपया चार्ज लगा है, तो मैं इसी से वापस निकल जाऊंगा लोकल ट्रेन से। तो अब चलता हूं मैं अंदर और आप लोग को दिखाता हूं अंदर में जा रहा। आगे जनरल बोगी आगे है, चार बोगी आगे लगा हुआ है, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, फटाफट भाग के चलता हूँ। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है और भीड़ तो इतना ज़बरदस्त है कि आप लोग देख रहे हो, ट्रेन आ चुकी है और भीड़ जैसे लग रहा है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। अभी आप लोग आगे देखिएगा, पुलिस वाले ले लट मारना शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, पब्लिक तैयार है कि मैं ट्रेन जैसे रुके मैं चढ़ूँ तुरंत फटाफट। अब पुलिस वाले भी तैयार हैं, जैसे पब्लिक भागे मैं डंडा मारना शुरू करूँ। तो गाइड लट पड़ने शुरू हो गए हैं, ये देखिए, ऐसे भी कहीं होता है क्या, लट मारना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए बेटा, गए तो लट लगे। गाइस बचा के जाना पड़ता है, एक तो पब्लिक परेशान है भीड़ में और लट खाने के लिए भी तैयार है, क्या करेगी, छठ पूजा है, जाना है। अभी आप लोग लाइन में बने रहिए, आप लोग को दिखाता हूँ आगे सीन, जबरदस्त सीन होगा। हरे हरे महादेव, जय छठी मैया के नाम में गुजे सबके। तो गाइस ट्रेन निकल चुका है
अब बहुत सारे पैसेंजर तो बैठ ही नहीं पाए ट्रेन में, अब ये दूसरी ट्रेन से आ पाएंगे। ये देखिए गाइस कितने इतना फोर्स तैनात है यहाँ पे, और ट्रेन निकल चुकी है। ये सब पब्लिक बेचारे परेशान हो गए, इनका नंबर आ नहीं पाया बैठने के लिए, अब ये दूसरे ट्रेन में आ पाएंगे। ये देखिए गाइस जितना ट्रेन में भीड़ है ना, उससे कई ज़्यादा तभी प्लेटफॉर्म पर भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है। तो अभी ट्रेन चल दी है, अभी पब्लिक आएगी अगली ट्रेन, पिछली वाली ट्रेन में आएगी। अब जो इससे पीछे ट्रेन आएगा उसमें आएगी ट्रेन। तो गाइस चलिए आप लोग को आगे दिखाता हूँ और भी। मैं भगाने से तेरे भाग जाऊंगा। वही तो कह रहा हूँ, भागने वाला तो नहीं ना हो, जितने राय से चल रहा हूँ भागने वाला तो नहीं ना हो, मिलजुल के बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। हाँ तो कैसे बैठेंगे बताओ। है